लोन जो एक इंसान अपनी मजबूरियों के चलते लेता है और उस लोन के लिए उसे ना जाने कितनी ही मशक्कतें करनी पड़ती है, दिन रात चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लोन इश्यू हो पाता है। लेकिन कुछ चाइनीज ऐप ने लोन को काफी इजी प्रोसेस बना दिया है, बिना वेरिफिकेशन के ही अब लोन देना शुरू कर दिया है। अब आप इन चाइनीज ऐप के जरिए घर बैठे ही आसानी से लोन ले सकते हैं। लेकिन ये इजी प्रोसेस लोन कितना भारी पड़ सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण बैंगलोर में देखने को मिला, जहां एक छात्र ने चाइनीज ऐप से लोन तो ले लिया, पर इसे चुकाने के लिए उसे पैसे नहीं बल्कि अपनी जान देनी पड़ी। बैंगलोर जहां तब हड़कंप मच गया जब एक 22 साल के लड़के ने फांसी लगा ली। वजह थी कर्ज जो उसने एक चाइनीज ऐप से लिया था। लोन प्रोवाइड करने वाले इस ऐप का प्रोसेस काफी आसान था, न वेरिफिकेशन के लिए चक्कर लगाने थे, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स की झंझट, आसानी से लोन मिल गया। पर लोन मिलने के बाद शुरू हुई असली दिक्कत, क्योंकि लोन का पैसा वो छात्र चुका नहीं पा रहा था, जिसके बाद लोन एजेंट ने उस लड़के को लगातार परेशान करना शुरू कर दिया और उसकी फोटोज के जरिए ब्लैकमेल करने लगा, और इन सब से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी और एक नोट लिखकर छोड़ दिया, जिसमें लिखा था, माँ पापा मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, मेरे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, मैं अपने नाम पर लिए गए लोन का पेमेंट करने में असमर्थ हूँ और ये मेरा अंतिम निर्णय है, अलविदा। आत्महत्या के 3 दिन पहले ही लड़के के माँ बाप ने एजेंट से लोन चुकाने का समय भी मांगा था, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों के बाद उसने फांसी लगा ली और अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है इस ऐप का सच। 2020 जब कोरोना महामारी ने दुनिया में अपने पैर पसारे और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, लोग बेरोजगार हुए, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए, तब चाइना ने लोन ऐप बनाई और अपना धंधा बढ़ाया, जिसमें ऐप को डाउनलोड करते ही कुछ धनराशि यूजर के खाते में ट्रांसफर हो जाती है। इस ऐप से लोन पाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल उस लोन को चुकाना है, क्योंकि इन लोन की ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। बिना किसी डॉक्यूमेंट के लोन पाने के लालच में लोग लोन तो ले लेते हैं, पर उसके बाद शुरू होता है कंपनी का असली खेल, जब एजेंट यूजर को ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं और लोन चुकाने के बाद भी पैसे मांगते हैं और धमकी भरे कॉल करते रहते हैं। ये ऐप यूजर की सारी पर्सनल डिटेल्स को चुरा लेता है और इसी के जरिए ब्लैकमेलिंग का खेल रचते हैं। अब बात ये उठती है कि आखिर कैसे ये चाइनीज ऐप काम करती है। दरअसल जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वैसे ही ये ऐप आपसे गैलरी, कॉन्टेक्ट्स, लोकेशन के एक्सेस की परमिशन मांगती है, जो अक्सर यूजर्स दे भी देते हैं। साथ ही कई बार ये ऐप्स यूजर्स के फोन में बिना उनकी जानकारी के ही थर्ड पार्टी ऐप्स या मालवेयर इंस्टॉल कर देती है, जिससे यूजर्स की निजी जानकारियां ऐप चुरा लेती है। इन जानकारियों का इस्तेमाल ऐप ब्लैकमेल करने के लिए करता है। इस लोन का पूरा पैसा नहीं, केवल 60-70% पैसा ही यूजर तक पहुँचता है। ब्याज दर इतनी होती है कि ये हर हफ्ते बढ़ते बढ़ते 4 गुना तक हो जाती है। इस ऐप का एक और टर्म है कि ये ऐप केवल 10,000 से कम राशि ही यूजर को प्रोवाइड कराता है, जिस पर 2 गुना ब्याज होता है। लेकिन अगर आप इस तरह की ऐप से बचना चाहते हैं, तो किसी भी ऐप से लोन लेने से बचे और बैंक और अधिकृत संस्थानों से ही लोन लें। अपनी KYC डिटेल अनवेरिफाइड ऐप से ना शेयर करें और किसी भी धोखाधड़ी की सूचना RBI को दे, पुलिस को दे, और लोन की ऐप्स की ब्लैकमेलिंग से डरने की बजाय उसके खिलाफ एक्शन लें। आज की खबर के लिए गौरी वर्मा की रिपोर्ट।